अडानी ग्रुप गौतम अडानी की प्राइवेट ऑन फर्म जो आज पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट, पावर प्लांट, सोलर प्लांट, लॉजिस्टिक सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर एग्री बिजनेस हर एक सेक्टर में सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। बट यह डेफिनेटली इसकी शुरुआत आसान नहीं रही होगी। बताया जाता है कि 1988 में कॉमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस से शुरू हुआ बिजनेस बाद में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल पर भी किस्मत आजमाया। पहली बार 1998 में भारत की सबसे बड़ी पोर्ट के रूप में अपनी पहली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम मिला। पोर्ट गुजरात के मुंद्रा में बनाया गया, जो बेहद ही वर्ल्ड क्लास तरीके से बनाया गया, जो आज भी भारत की सबसे बड़ी पोर्ट के रूप में देखा जाता है। और यहीं से अडानी ग्रुप की किस्मत बदलना शुरू हो गया और उसके बाद एक से एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाकर हमारे देश के सामने पेश किए और आज भी कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो आइए अडानी ग्रुप की कुछ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट पर डिस्कस करते हैं और देखते हैं आज की डेट में अडानी ग्रुप किन किन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और क्या क्या हमारे देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अडानी की पहली अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द एम्बिशियस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जिसकी प्लानिंग तो मायावती जी की गवर्नमेंट में ही हो गई थी, बट फाइनली 2021 दिसंबर को योगी जी की लीडरशिप में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से शिलान्यास किया। बताया जाता है कि एक्सप्रेसवे मेरठ जनपद के NH-334 से शुरू होते हुए हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ के रास्ते प्रयागराज NH-2 में समाप्त होती है। 594 किलोमीटर की यह गंगा एक्सप्रेसवे 120 मीटर चौड़ी सड़क के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जो फिलहाल तो 6 लेन के तर्ज पर डेवलप हो रहा है, बट फ्यूचर में से 8 लेन के रूप में भी एक्सपेंशन किया जा सकता है। चूंकि यह एक्सप्रेसवे को अडानी ग्रुप और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, इसलिए एक्सप्रेसवे स्टेट ऑफ द आर्ट के तर्ज पर एक होलिस्टिक मैनर में डेवलप होगा। वहीं इसके अंदर कई सारे फीचर्स हैं, जैसे 3.5 किलोमीटर का शाहजहांपुर में एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप भी बनाई जाएगी, 2 बड़ी-बड़ी गंगा रिवर पर ब्रिजेस, 18 फ्लाईओवर, 8 ROB और कई सारे क्लस्टर्स इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे, जो आज के डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। बात कंस्ट्रक्शन की हो रही है तो मैं बता दूं, यूपीडा की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सितंबर 2023 तक 22% तक का ओवरऑल वर्क कंप्लीट कर लिया गया है। योगी जी के मुताबिक 2024 में एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगी। ऑपरेशनल होने से सिमलेस कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट में बूस्ट देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। ऐसा में देखते हैं गंगा एक्सप्रेसवे जो कि आज 22% तक का वर्क कंप्लीट हो चुका है, वो कब तक बनकर तैयार होता है। अडानी ग्रुप की दूसरी अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई के उलवे में बनाया जा रहा एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसे लोटस के शेड में डिजाइन किया गया है, जो काफ़ी इंप्रेसिव और वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। पूरा एयरपोर्ट 1160 एकड़ में फैला होगा, जिसे फिलहाल फेस 1 और फेस 2 अडानी ग्रुप और सिडको की एक ज्वाइंट कोलेबरेशन के तर्ज पर विकसित की जा रही है। पूरा प्रोजेक्ट 16,700 करोड़ की लागत से तैयार हो रही है, जिसे अडानी ग्रुप के अनुसार फेस 1 दिसंबर 2024 तक तैयार कर लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 2 रनवे और 2 टर्मिनल्स को बनाया जाएगा। तैयार होने से सबसे बड़ा फायदा मुंबई एयरपोर्ट की ट्रैफिक को मिलेगा, जो कि 2032 तक पूरा एयरपोर्ट बनकर तैयार होने की उम्मीद है। तैयार होने से 2032 तक 90 मिलियन पैसेंजर्स, 2.5 मिलियन टन कार्गो को हैंडल करने में सक्षम होगी। ऐसे में देखते हैं फेस 1 और फेस 2 जो आज की डेट में अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होती है या नहीं होती। वैसे भी गौतम अडानी जी का कहना है कि दिसंबर 2024 में एनी हाउ एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगी। अडानी की तीसरी अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है ताजपुर पोर्ट। वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित है ताजपुर पोर्ट अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा। पोर्ट इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार बनेगा, जो 100% ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगी। बताया जाता है कि ताजपुर पोर्ट ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे पहली बार अक्टूबर 2022 में बीज सम्मेलन के दौरान ममता बनर्जी ने करण अडानी, जो कि गौतम अडानी के बेटे हैं, उसे लेटर ऑफ इंटेंट हैंडओवर किया था और आज अडानी ग्रुप इस पर स्टडी कर रही है। बताया जाता है कि पूरा पोर्ट 25,000 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जिसे एक डीप पोर्ट के तर्ज पर विकसित किया जाना है। विकसित इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट ज़्यादा डीप लेवल ना होने की वजह से बड़े बड़े शिप्स में लंगर डालना असंभव होता जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके वजह से डे बाय डे इन पोर्ट्स की शिपिंग में डाउनफॉल भी हो रही है
और कहीं ना कहीं अनसर्टेन भी है, इसका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा और इसीलिए अल्टरनेट के तर्ज पर ताजपुर पोर्ट को इंटरनेशनल मापदंड के अनुसार बनाया जाना प्रस्तावित है। वैसे देखते हैं कब तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। वैसे अपडेट्स के अनुसार एनवायरमेंट स्टडी मानसून में शुरू हो सकती है, जिसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो ड्राफ्ट तैयार है, उम्मीद है जल्द ही सभी अटकलें क्लियर होगी और ताजपुर पोर्ट पर कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। अडानी की फोर्थ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है उदयपुर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट। उदयपुर क्रिकेट स्टेडियम एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल स्टेडियम है, जिसकी चर्चाएं 2013 आईपीएल लीग के दौरान शुरू हुई थी, जब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद सवाई मानसिंह स्टेडियम को आईपीएल मैच ना मिलने की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद आरसीए ने खुद ही डिसाइड किया कि उदयपुर में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को बनाएगी। हालांकि क्रिकेट स्टेडियम अब तक बना नहीं पाई है। बढ़ा 2022 में अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट किया था कि उदयपुर का क्रिकेट स्टेडियम अडानी ग्रुप डेवलप करने जा रही है, जिसमें टोटल 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई थी। इस 200 करोड़ की लागत से 35,000 सीटिंग कैपेसिटी के तर्ज पर इसे डेवलप किया जाना था। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बाद अडानी ग्रुप की संपत्ति में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में क्या आपको लगता है कि अडानी ग्रुप अभी फिलहाल भी इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकती है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। अडानी की फिफ्थ अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है सन अंदर लॉजिस्टिक पार्क प्रोजेक्ट। अडानी ग्रुप की वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक, जहाँ टोटल 50,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट करेगी। बताया जाता है कि गुजरात के सनंद में बनाया जा रहा लॉजिस्टिक पार्क इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के तर्ज पर विकसित कर रही, जो टोटल 1,450 एकड़ लैंड में विकसित किया जाएगा। फेस वन 2022 में ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी, जिसके अंतर्गत 300 एकड़ को दिसंबर 2023 तक डेवलप भी कर लिया जाएगा। डेवलप्ड होने से लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर हो जाएगी और देश की जीडीपी में भी उछाल देखने को मिलेगा। अपडेट्स की बात करूँ, फिलहाल लॉजिस्टिक कंटेनर और 4.6 किलोमीटर का कार्गो रनवे पर काम तेजी से हो रहा है। वहीं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को बिल्डिंग करने पर बातें चल रही है। ऐसे में उम्मीद करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, जो कि अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, वो जल्द से जल्द तैयार हो। अडानी की नेक्स्ट अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट है धारावी रीडेवलपमेंट। धारावी हम सभी को पता है, धारावी इंडिया की लार्जेस्ट स्लम है, जो मुंबई के बीचों बीच 590 एकड़ में फैला है। चूंकि यह मुंबई के बीचों बीच में बसा एक स्लम है, इसलिए पिछले कई सरकारों ने धारावी को रीडेवलपमेंट करने की योजना बनाई, पर सभी नाकाम रहे। प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, जिसे अडानी ग्रुप के हाथों प्रोजेक्ट को अवार्ड किया गया है, जिसे $3 बिलियन की लागत से इसे सरकार के साथ मिलकर अडानी ग्रुप काम करेगी। ऐसे में देखते हैं धारावी, जो कि अडानी ग्रुप को एक बहुत ही बड़ा दायित्व दिया गया है, वो अपने इस दायित्व को पूरा कर पाते हैं या फिर दूसरे गवर्नमेंट की तरह यह भी फेलियर साबित होता है। अडानी की नेक्स्ट बड़ी प्रोजेक्ट है कानपुर इम्यूनिटेशन मैनुफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। कानपुर IAMC प्रोजेक्ट साउथ एशिया की लार्जेस्ट गोला बारूद मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होगी, जिसे उत्तर प्रदेश के कानपुर डिफेंस नोड्स में बनाया जाना है। पूरा मिसाइल फैक्ट्री 250 एकड़ में फैला होगा, जिसमें अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड 1500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही। अभी रिसेंट में ही लखनऊ इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान अडानी डिफेंस ने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया। ऐसे में देखते हैं अडानी ग्रुप कब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू करती है। फिलहाल मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है, बट हाँ, इसके अलावा भी आज भारत में अडानी के कई बड़े बड़े सेक्टर्स में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिस पर जल्दी हमारा एक और वीडियो आएगा, जिस पर हम अडानी ग्रुप की सभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर डिस्कस करेंगे, जो फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।